एक गांव में गरीबों की बस्ती दूर से ही नज़र आती है। गांव में प्रवेश के दो रास्ते हैं, सड़क भी गांव से कुछ दूर है। गांव के और एक और 20 साल की नगमा का घर है। वह 5 बहनों और 2 भाइयों से सबसे छोटी थी। विश्वकर्मा बिरादरी की नगमा का घर गांव के गरीब परिवारों में आता था। कच्ची दीवारें और धान के पुलाव से बने छप्पर वाला घर। नगमा पढ़ाई में तेज थी। कक्षा 12 पास करने के बाद स्कूल वालों ने लैपटॉप उपहार में दिया था। नगमा के घर के सामने ही एक मंदिर बना था। यहीं पर सत्यम आकर अक्सर बैठता होता था। सत्यम गांव के प्रभावशाली ब्राह्मण परिवार का वह छोटा, घंटों तक वहीं अपना समय गुजारता रहता था। सत्यम नगमा के घर परिवार की मदद भी करना चाहता था। इस मदद की एक बड़ी वजह नगमा थी, जिससे वह मन ही मन पसंद करने लगा था। यह बात सत्यम के परिवार के लोगों को पसंद नहीं थी। जैसे जैसे गांव में सत्यम और नगमा की दोस्ती आगे बढ़ रही थी, सत्यम के परिवार वाले विरोध करने लगी थी। एक दिन की बात है, सत्यम और नगमा मंदिर पर बैठकर बातें कर रहे थे। यह बात सत्यम की माँ को पता चली तो वह अपने बेटे छोटे शुभम के साथ वहाँ आई और लड़की को भला बुरा कहने लगी। सत्यम के घर वालों ने जब नगमा को भला बुरा कहना शुरू कर दिया था, तो नगमा ने भी उसे इसी तरह जवाब दिया। यह बात सत्यम के भाई शुभम को बुरी लगी। उसने नगमा के साथ झगड़ा शुरू कर दिया। झगड़ा के दौरान सत्यम पूरी तरह चुप रहा। झगड़े के बाद सत्यम के घर वालों ने उसी नगमा से दूर रहने के लिए कहा सलाह दी। सत्यम घर वालों की बात मानते हुए नगमा से बात करनी बंद कर दी। कुछ दिन सत्यम नगमा से दूर रहा भी, लेकिन यह दूरी ज़्यादा समय तक बनी नहीं रह पाई। नगमा सत्यम से शादी करना चाहती थी, इसलिए वह सत्यम पर शादी का दबाव बनाने लगी। सत्यम घर वालों और नगमा के बीच फंसा रहा। आखिर नगमा के दबाव में सत्यम ने नंदनी से शादी कर ली। दोनों ने शादी तो कर ली, लेकिन अब उनके सामने समस्या यह थी कि गांव और घर के लोगों को अपनी शादी की बात कैसे बताएं। शादी के बाद दोनों अपने गांव से दूर शहर में रहने लगे। जब घर वालों को पता चला तो वह शहर पहुंचकर उन्होंने सत्यम को समझाया। सत्यम घर वालों के दबाव में आ गया। इसके बाद वह शादी से मुकरने लगा। बस यहीं से नगमा और सत्यम के बीच रिश्ते बिगड़ने लगे और नगमा से प्यार कम करने लगा। सत्यम पर नगमा के घर वाले जोर डालने लगे। वह परेशान हो गया। नगमा के ने सत्यम पर जो आरोप लगाया, उसके अनुसार झगड़े के बाद सत्यम सुलह और समझौता के बाद भी शादी कराने के लिए एक मंदिर में लेके गया, लेकिन मंदिर से पहले ही कई लड़के मौजूद थे। सत्यम और उसके साथियों ने वहीं पर नगमा के साथ रेप भी किया। इतना ही नहीं, उन्होंने उसे चुप रहने की धमकी भी दी। उसके साथ हुए इस धोखे पर नगमा ने भी सोच लिया था कि अब वह चुप नहीं बैठेगी। उसने ये मामला अपने घर वालों को बताया और सत्यम को सजा दिलाने की ठान ली। अब नगमा सत्यम के घर वालों से पास पहुंची और आप बीती सुनाकर सत्यम व उसके साथियों के खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश की, लेकिन घर वालों ने बात नहीं मानी। तब 8 दिन बाद नगमा के घर वाले शहर से गांव लेने आए और सत्यम के घर पत्र भेजा। इसकी भी नहीं सुनवाई हुई। सत्यम के घर वाले उसकी कोई सुनवाई नहीं कर रहे थे। यह बात वह नहीं समझ सकी। नगमा निराश होकर गांव के मुखिया से बताया, लेकिन उसने भी कोई सुनवाई नहीं की। क्योंकि नगमा गरीब परिवार से थी, इसीलिए नहीं सुनवाई की गई। मुखिया ने उसकी शिकायत पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे थे, यह बात वह नहीं समझ सकी। वहाँ से निराश होकर नगमा ने शहर के बहुत बड़े एक आदमी से मदद मांगी। उसने भी कोई कदम नहीं उठाया। नगमा को हैरानी हुई कि सत्यम इतनी जल्दी कैसे बदल सकता है। उसने अपने परिवार से यह बात बताई और कहा कि कल वह अपने सत्यम से मिलकर उससे माफ़ी मांगेगी कि यह कैसे हो गया, क्योंकि उसका एक्सीडेंट हो गया था। लेकिन वह नगमा को देखना ही नहीं चाह रहा था। फिर नगमा को सुबह 5 बजे शहर से गांव जाने वाली ट्रेन पकड़नी थी।
नगमा की सुबह 5 बजे की ट्रेन पहुंचाती। उसने अपने घर वालों को बता दिया था। घर से करीब 2 किलोमीटर दूर था, उसका घर 2 किलोमीटर दूर था। नगमा सुबह 4 बजे अपने गांव के स्टेशन के पास पहुंची। तब जाड़े का समय था, रास्ते में अंधेरा भी था। नगमा के पिता उसे स्टेशन लेने के लिए कहा तो उसने बूढ़े पिता की परेशानी को देखते हुए मना कर दिया था। वह अकेले ही घर आ रही थी। गांव के स्टेशन में रास्ते में कुछ रास्ता ऐसा था जो सुनसाना रहता था। इसी जगह पर नगमा पर उन्हीं लोगों ने मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा दिया। नगमा खुद को बचाने के लिए मदद के लिए दौड़ रही थी। जली हालत में खुद को बचाने के लिए नगमा दौड़ी तो आग और भड़क गई। उसके कपड़े जलकर उसी के जिस्म में चिपक गए थे। रास्ते में एक जगह कुछ लोग दिखे तो नगमा वहीं पर गिर पड़ी। नगमा के कहने पर रास्ते में मिले लोगों ने नगमा के घर वालों को जानकारी दी। बुरी तरह से जली नगमा वहां पहुंची। घर वाले और गांव को और बाद में मुखिया से बताया कि उसके ऊपर मिट्टी का तेल डालकर घर वालों जलाने वाला और कोई नहीं सत्यम और उसके साथी। इतना कहकर नगमा भगवान को प्यारी हो गई। तो आशा करती हूँ स्टोरी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर बची हुई स्टोरी आपको सुनना है तो प्लीज़ कमेंट में बताइए और एक लाइक चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिए। बाय बाय।